बिच्छू का डंक काटकर बिच्छू को जिंदा छोड़ देने से घर में धन में बढ़ोतरी होती है। घर में छिपकलियां कम हो जाए तो समझ जाओ खान पान में बढ़त होने वाली है। घर में सफेद मोर ले आने से घर में खुशहाली आती है। घर में नीला मोर ले आने से घर में शांति आती है। गर्भवती खरगोश को घर में ले आने से घर में मुसीबतें बढ़ जाती हैं। घर में बार बार मछली पका कर खाने से बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। मछली को भूनकर खाने से बाल नहीं गिरते हैं। झुर्रियों वाले चेहरे पर उबले हुए आलू लगाने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। चेहरे पर दाने खत्म ना हो रहे हो तो उबली हुई शकरकंदी लगाओ, दाने जल्दी खत्म हो जाएगी। घर का सुकून खत्म हो जाए तो घर में मोर के प्रो को लटका दो, घर का सुकून वापस आ जाएगा। घर में सफेद बिल्ली पालने से घर का रोजगार कभी कम नहीं होता है। घर में सूरजमुखी का पौधा लगा हुआ हो तो घर में सांप नहीं आता है। घर में मक्खियों का ज्यादा हो जाना दाना पानी के तंगी का एक संकेत है। चंद को लगातार 15 मिनट देखने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। कान पर पसीना आ जाना दौलत की कमी हो जाने की निशानी है। घर के ऊपर चिल घूमने शुरू कर दें तो समझ जाओ घर में दौलत बहुत जल्द आने वाली है। घर के दरवाजे पर एक दिन में 3 बार फकीर मांगने आ जाए तो समझ जाओ तुम्हारे घर में बेथाशा दौलत मिलने वाली है। घर में काले मोर को ले आने से घर पर किया हुआ काला जादू का असर जल्दी खत्म हो जाता है। जहां फाख्ता अंडे देती है वहां उसे घर में कभी तंगी नहीं आती है। पुदीना की खुशबू को सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। रुई को जैतून के तेल में भिगोकर चेहरे पर मसलने से चेहरे के दाग धब्बे मिट जाते हैं। नहाकर बदन पर चमेली के फूल की खुशबू लगाने से बदन में थकावट नहीं होती है। सूरजमुखी का तेल घुटनों पर लगाने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। सर में जुए ज्यादा हो जाए तो सर में कपड़ों वाला नील डाल दें, जुए खत्म हो जाएगी। औरत की जबान को चाटने से मर्दाना ताकत और दिमाग तेज होता है। औरत के बालों में हाथ फेरने से औरत का दिमाग तेज होता है। औरत के कानों को चाटने से मर्द के कपूरे ताकतवर होते हैं। जो औरत मुस्कुराने की आदि हो तो समझ जाओ ऐसी औरत हैंडपंप की बेहद शौकीन होती है। जिस औरत के हाथ सख्त हो वो सबसे पहले जूट को पकड़ती है। जो औरत के हाथ नरम हो वो सबसे पहले मर्द की जुबान को मुंह में लेती है। तितर पाला जाए तो घर का मलिक साथ दिन नहीं दौलतमंद हो जाता है। जिस औरत के होठों पर लकीरें हो उस औरत का मुकद्दर बहुत ही अच्छी होती है। जिस औरत की एड़ियां सख्त होती हैं यह औरत की वफादार होने की ठोस निशानी है। जिस औरत की आंखें खली हुई होती हैं ऐसी औरत मर्द को कभी खुश नहीं रखती है।